नरसिंहपुर जिला अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा नवजात बच्चों और प्रसूताओं को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल कल रात जिला अस्पताल के CICU एवं प्राइवेट वार्ड में बिजली नहीं है और इस भीषण गर्मी में नवजात बच्चे बेहाल हो रहे हैं। मरीजों का कहना है कि कल रात के 12 बजे से बिजली गुल हुई है और गर्मी से सभी बेहाल हो रहे हैं। कई बार अस्पताल प्रबंधन भी इस बात को टालते नजर आते हैं। हालांकि सिविल सर्जन ने जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार का भरोसा दिलाया है। यहां तक कि CICU के नवजात भी गर्मी से बेहाल हैं कि मुख्य वजह जिला अस्पताल में विद्युत सप्लाई अवरुद्ध होना है। 12 बजे से कल 12 बजे रात से लाइट गई है और अभी तक नहीं आई है। अच्छा, इतनी परेशानी हो रही है। अब कब तक इंसान ऐसे मच्छर अलग काट रहे हैं, गर्मी अलग रख रही है, बच्चे अलग परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या अस्पताल प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा कब से, मतलब कल जब से लाइट गई है तब से वो पीछे पड़े ही हुए हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अच्छा, तो क्या कहते हैं अस्पताल प्रबंधन, क्या कह रहा है? सुधर जाएगी। कल रात से 12 बजे से लाइट गोल है और 2 दिन पहले भी हो रही है, 3-3, 4-4 घंटे में आ रही है। अब सबके सीजर हुए हैं, अभी 7-8 दिन के बच्चे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। तो अब ऑफिस में जाके कंप्लेंट की लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। CS सर तो AC में बैठे, उनको लग ही नहीं रहा कि बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो इंतज़ार करते करते 12 घंटे होगा, 24 घंटे होगा, अभी तक नहीं सुधरी। अब कहेंगे कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, इनमें जो वायरिंग है तो वायरिंग मुझे जो फाट कर रही थी और जो चीज है कि जो करा से एक तो लाइट नहीं थी, जो अपना पावर प्लांट है इसके फीडर से भी मिस्टेक थी और इसमें जो जिला CS ऑफिस है इसकी कनेक्शन सामने वाले पुल से है, यहाँ से कनेक्शन फॉल्ट कर रहे थे, इसकी एक साइड की MC काम नहीं कर रही है। तो अभी मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने वहाँ बिजली वाले को भेज दिया है, वो उसको पूरी चेंज करके रिपेयर कर रहा है।